हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज बनाएंगे फ़िश करी की रेसिपी। फ़िश करी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 6 पीस तेलापिया मछली। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। तो नमक डाला है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही डालेंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी और नमक डालने के बाद अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अब मैरिनेट हो गए हैं, अब चलिए मछली को सबसे पहले कर लेते हैं फ्राई। तब एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। आप कोई भी तेल से बना सकते हो। अब तेल डालने के बाद गरम करेंगे जब तक ना धुआं आने लगे। जैसे ही तेल गरम होते ही धुआं छोड़ने लगे, जैसे कि अभी धुआं छोड़ रहे हैं, अभी आप देख सकते हो, तब डालेंगे मछली के पीसेस को। तो धुआं छोड़ने के बाद मछली डालने से एक भी मछली कभी भी नहीं टूटते हैं। तो इस तरीके से डाल देंगे। तो मैं 3 पीस ही डाल दे रही हूँ, तो 3 पीस दोबारा फ्राई कर लेंगे। तो अब जब तक मछली फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम कुछ मसाला का तैयारी कर लेंगे। तो मैंने लिया है एक छोटा सा बाउल, इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और डालेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। अब सारे मसालों को मिक्स्ड करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का ही है। तो इस तरीके से सूखा मसाला को पानी के साथ मिक्स करके रख देंगे। तो इससे ना मसाला बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से मिक्स कर दिया है, अब हम रख देंगे। अब तब तक एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब पलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ से ही अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो देखिए कितने ईजीली मछली फ्राई हो रहे हैं और कहीं से भी टूटा चिपका नहीं है। तो इस तरीके से इस साइड भी फ्राई जैसे ही हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी तेल में डाल देंगे और बाकी का 3 पीस और इस तरीके से ही फ्राई करेंगे। तो सारे मछली को फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल के अंदर मैं डाल दे रही हूँ प्याज, और यहाँ पे मीडियम साइज के 2 प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है, तो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करते करते गोल्डन ब्राउन कलर हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, इस तरीके से बारीक चॉप करके। अब मिक्स कर देंगे और साथ में ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और डालने के बाद मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होंगे, अदरक लहसुन और टमाटर एक साथ में ही भून जाएंगे। तो हम टमाटर को पकाएंगे तब तक जब तक ना टमाटर एकदम पिघल के मसाला ना बन जाए। तो अब कुछ देर मीडियम फ्लेम में मैंने चलाया है 1-2 बार। अब देखिए टमाटर बिल्कुल ही गल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें अब डाल देंगे जो सूखा मसाला हमने पानी में भिगो के रखा था पहले से, वो वाला। अब इस तरीके से थोड़ी देर और भूनेंगे जिससे ये पानी जब तक सूख के कलर ना चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। तो पानी सूखने लगा है तो हमें तब तक भूनना है जब तक तेल ना छोड़ दे। अब इसमें स्वाद अनुसार मैं हरा मिर्चा इस तरीके से बीचों बीच कट लगा के छोड़ दिया है, तीखा बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब देखिए तेल छोड़ने लगा है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से भुनना हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी मैं डाल दे रही हूँ लगभग 1/2 कटोरी तक। अब पानी डालने के बाद एक बार चला लेंगे और फुल फ्लेम में रख देंगे। फुल फ्लेम में मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक किया है। अब मैं डाल दे रही हूँ फ्राई किया हुआ फिश को। तो इस तरीके से डालेंगे। अब मछली जब डालेंगे ग्रेवी के अंदर तो बहुत ही आराम से हमें मिक्स करना है ग्रेवी में। तो इस तरीके से हल्के हल्के से स्पैचुला को चलाते हुए ताकि ग्रेवी में डिप हो जाए सारी फिश। तो इस तरीके से थोड़ा सा पलट भी देंगे। फिश को डालने के बाद तुरंत हम डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया के पत्ती ढेर सारे, और बस एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि धनिया के जो फ्लेवर है वो भी आ जाए। अब इससे ज़्यादा इसे अलट पलट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से ना 2 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे, और 2 मिनट के बाद हमारा पूरा कंप्लीट अब हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल ही ऑफ कर दे रहे हैं।
तो ये देखिए गर्मा गर्म फिश रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है और इस तरीके से बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से बना के आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। आज का फिश की रेसिपी अगर आपको पसंद आया है तो लव किचन चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। कैसा लगे कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।